गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फाइव स्टार क्लासेस में। आज है 20 सितंबर और 20 सितंबर से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन है उसे बारी बारी से देखेंगे। तो आइए आज के पहला क्वेश्चन देखते हैं, पहला क्वेश्चन है क्या। तो पहला क्वेश्चन है कि आजादी फ्रीडम फैसिज्म फिक्शन, आजादी फ्रीडम फैसिज्म फिक्शन शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है। तो आपका ऑप्शन है चेतन भगत, अरुंधति रॉय, आर के लक्ष्मण और करण जौहर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय ने आजादी फ्रीडम फैसिस्ट फिक्शन शीर्षक पुस्तक को लिखी है, कोविड 19 2019 में इसे प्रकाशित किया, कोविड 19 2020 में इसे प्रकाशित किया गया है। और यह जो प्रकाशित हुआ है तो यह हुआ है पेंगुइन बुक्स लिमिटेड के द्वारा इसे प्रकाशित किया गया है। आइए दो नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दो नंबर क्वेश्चन क्या है, ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक हुई, ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की बैठक हुई। तो कौन सी बैठक हुई है, 10वीं 12वीं 15वीं 13वीं। ऑप्शन है आपका 10वीं 12वीं 15वीं और 13वीं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर 10वीं जो ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की बैठक हुई है वो 10वीं हुई है। यह हुआ कहाँ है, रूस में। और अभी ब्रिक्स का अध्यक्ष कौन सा देश है ब्रिक्स के, तो ब्रिक्स का अध्यक्ष है अभी रूस। अरे ब्रिक्स का अध्यक्ष रूस है। और ब्रिक्स में आता कितना देश है, तो देखिए यहाँ पर लिख देते हैं हम BRICS ब्रिक्स। तो ब्रिक्स में होता क्या है, बी से हो जाता है आपका क्या, ब्राजील हो जाएगा। बी से क्या हो जाएगा, ब्राजील हो जाएगा। आर से क्या हो जाएगा, रूस हो जाएगा। आई से क्या हो जाएगा, इंडिया हो जाएगा। सी से क्या हो जाएगा, चाइना हो जाएगा, चीन हो जाएगा। और एस से क्या हो जाएगा, साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, तो आइए देखते हैं अब आगे दो नंबर क्वेश्चन। और उसके एक चीज और बता देना चाहता हूँ, जो ये ब्रिक्स हुआ है रूस में और रूस की अध्यक्षता में हुआ है, तो भारत की तरफ से कौन थे उसमें, तो भारत की तरफ से हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी थे। ठीक है, आइए देखते हैं तीन नंबर क्वेश्चन, किस बैंक को 2020 डेटन साहित्य शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाए, किसको 2020 डेटन साहित्य शांति पुरस्कार सम्मानित किया, किन है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन है मार्गरेट एटवुड, एलिसा एटवुड, डेनियल वुड्स और मैडम मार्गरेट। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, मार्गरेट एटवुड को 2020 डेटन साहित्य शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चार नंबर क्वेश्चन है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने महिला उत्कर्ष योजना शुरू की, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने महिला उत्कर्ष योजना शुरू की। तो ऑप्शन है आपका राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात सरकार ने, गुजरात के मुख्यमंत्री जो है महिला उत्कर्ष योजना की शुरुआत की। तो गुजरात है, तो गुजरात की राजधानी कहाँ है, गांधीनगर है। और गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है, तो विजय रूपानी है। और गुजरात के राज्यपाल कौन है, तो आचार्य देवव्रत हैं। आगे क्वेश्चन है पांच नंबर कि किस बैंक ने इमर्जिंग इंटरप्रेन्योर्स बिजनेस की शुरुआत की है, किस बैंक ने। तो ऑप्शन है ICICI, बंधन बैंक, विजया बैंक और देना बैंक। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा बंधन बैंक। बंधन बैंक ने इमर्जिंग इंटरप्रेन्योर्स बिजनेस की शुरुआत की। तो बंधन बैंक है, तो बंधन बैंक के अभी अध्यक्ष कौन है, चंद्रशेखर घोष। छ नंबर क्वेश्चन है, अच्छा, और बंधन बैंक के अध्यक्ष तो पता है, निदेशक, तो उसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है, तो भी जान लेते हैं। उनका मुख्यालय बंधन बैंक के कोलकाता में है, कहाँ है, कोलकाता। ठीक है, आगे छ नंबर क्वेश्चन है,
किस बैंक ने ग्राहक सेवा के विस्तार के लिए आई लीड 2.0 सिस्टम लॉन्च की। आपका ऑप्शन है बंधन बैंक, केनरा बैंक, विजया बैंक और एसबीआई बैंक। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा केनरा बैंक। केनरा बैंक ने आई लीड 2.0 सिस्टम लॉन्च की है, यानी कि इसका मतलब है कि किसी भी राज्य में या किसी भी जगह पर अपना जो खाता है वो कहीं भी खुलवा सकते हैं, कहीं भी पैसा का ट्रांजैक्शन वगैरह कर सकते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है कि किस निर्देशक का निधन हो गया है। हाल ही में एक तमिल निर्देशक हैं जिनका निधन हो गया है। कौन? तमिल का, तमिल क्षेत्र के निर्देशक हैं, उनका निधन हुआ है, उनका नाम क्या है? तो ऑप्शन दिया गया है बाबू सिवान, विजय त्रिपाठी, अजय त्यागी या फिर कोई नहीं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बाबू सिवान। बाबू सिवान का निधन हो गया, जो तमिल के जाने माने निर्देशक हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो आइए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, किसको खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त भार सौंपा गया है, यानी किस मंत्री को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त भार सौंपा गया है। तो आपका ऑप्शन है नरेंद्र सिंह तोमर, हरसिमरत कौर बादल, नरेंद्र मोदी और NOT ऑफ दिस। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, नरेंद्र सिंह तोमर को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त भार सौंपा गया है। तो नरेंद्र सिंह तोमर जो है ये अभी क्या है, तो अभी केंद्रीय कृषि मंत्री हैं और खाद्य प्रसंस्करण मंत्री भी इन्हें ही भार सौंपा गया है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है कि इनसे पहले कृषि मंत्री कौन, खाद्य प्रसंस्करण मंत्री कौन थे? तो इनसे पहले हरसिमरत कौर बादल थे, जिन्होंने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को अनुच्छेद 75 यानी आर्टिकल 75 खंड 2 के द्वारा दे दिया गया है और उनका त्याग पत्र स्वीकार कर लिया गया है। तो अभी कौन है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ही हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व जल निगरानी दिवस कब मनाया गया, तो आपका आंसर है 18 सितंबर, 19 सितंबर, 20 सितंबर और 16 सितंबर। ऑप्शन है 18, 19, 20 और 16 सितंबर। तो अब आंसर इसमें से कौन है, तो आपका आंसर है 18 सितंबर। 18 सितंबर को विश्व जल निगरानी दिवस हर साल मनाया जाता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, खोमजोम दिवस किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में युद्ध के नायकों को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है। खोमजोम दिवस जो है किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में युद्ध के नायकों को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है। ऑप्शन है सिक्किम, मणिपुर, कर्नाटक और त्रिपुरा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा मणिपुर जो राज्य है वो खोमगुज दिवस मनाया जाता है। किनके लिए, युद्ध के नायकों को श्रद्धांजलि देने के लिए। तो जो मणिपुर है, मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है, एन बीरेन सिंह है और वहां के राज्यपाल कौन है, तो पीएस श्रीधरन पिल्लई है। उसके बाद आगे 11 नंबर क्वेश्चन है कि किस व्यक्ति को फ्रांस का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है, तो आपका आंसर है, ऑप्शन है जस्टिन ट्रूडो, जिन कॉस्टेक्स, गिसेप कांटे और कैटरीन सर्वडील। तो आपका आंसर है यहाँ पर जिन कॉस्टेक्स को आपका यहाँ पर फ्रांस का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है आंसर। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन है, तो 12 नंबर क्वेश्चन बताने से पहले बता देना चाहता हूँ कि अगर इस वीडियो में आपको कोई क्वेश्चन समझ में ना आए या किसी चीज का आप आंसर जानना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो आइए 12वां क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य सरकार ने भूमिहीन किसानों को
फसल ऋण प्रदान करने के लिए बलराम योजना शुरू की है। या कौन सा योजना? बलराम योजना शुरू की है। किस राज्य सरकार ने भूमिहीन किसानों को फसल ऋण प्रदान करने के लिए एक योजना शुरू की है? कौन योजना है? बलराम योजना है। तो बलराम योजना की शुरुआत किस राज्य ने किया है? तो ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार और झारखंड। तो आपका आंसर हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा सरकार जो है वो भूमिहीन किसान के फसल ऋण प्रदान करने के लिए बलराम योजना की शुरुआत की है। तो बात है उड़ीसा का, तो उड़ीसा का राजधानी है भुवनेश्वर और उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? नवीन पटनायक हैं और वहां के मुख्यमंत्री राज्यपाल कौन है? गणेशी लाल है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने मिशन वृक्षारोपण 2020 शुरू की? किस राज्य सरकार ने मिशन वृक्षारोपण 2020 शुरू की? तो आपका ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और कर्नाटक। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने मिशन वृक्षारोपण 2020 की शुरुआत की। तो बात है उत्तर प्रदेश से, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? लखनऊ है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो योगी आदित्यनाथ जी हैं, योगी आदित्यनाथ जी हैं। और यहाँ के मुख्य राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल है। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन है कि आईएफसी ने किस देश को $2 ट्रिलियन प्रदान करेगी? माने आईएफसी ने किस देश को $2 ट्रिलियन प्रदान करेगा? तो आपका ऑप्शन है भारत, दक्षिण कोरिया, श्रीलंका और चीन। तो आपका आंसर हो जाएगा भारत। भारत देश को आईएफसी ने $2 ट्रिलियन प्रदान करेगा। तो आईएफसी है, तो आईएफसी का फुल फॉर्म होता क्या है आखिर? तो अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, हिंदी होता है इसका अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। और आईएफसी का फुल फॉर्म इंग्लिश में होता है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन होता है। आईएफसी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन होता है। और जो ये आईएफसी जो है यह कहाँ किया गया है घोषित? तो यह मुंबई में कहाँ किया गया है? मुंबई में इसका बैठक हुआ है और यहाँ पर घोषित किया गया है $2 ट्रिलियन प्रदान करेगा आईएफसी किस देश को? भारत को। तो ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, और जितना हो सके हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जो हमारा वीडियो है आपके पास समय समय पर सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू वेरी मच।